हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर विद लाइफ कोच एंड करियर मेंटर मिस्टर विवेक गुप्ता। हेलो हेलो सर, हेलो आज हम बात करेंगे फेवर्स के बारे में। तो विवेक जी, हम आपसे काफ़ी बार बात करी है इस बारे में। हम जब भी किसी से फेवर मांगते हैं और वो इंसान हमें फेवर के लिए मना करता है, जो कि हमें लगता है कि उसके लिए बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन फिर भी वो मना करता है, तो सर ऐसा क्यों होता है और हमें बहुत बुरा लगता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए सर। राइट करण, बहुत कॉमन चीज़ है ये। एंड हमारी सोसाइटी ऐसी है, वी आर नॉट अ इंडिविजुअलिस्टिक मिडिलिस्टिक सोसाइटी लाइक यूएस एंड यूके। तो हम बहुत आपस में मिल बांट के रहते हैं हिंदुस्तान में, और हमें ऐसा लगता है कि हमें दूसरे की मदद करनी चाहिए और करते भी हैं। जो फ़र्क आता है, जो प्रॉब्लम होती है एज ए सीकर, जो हम मदद मांग रहे हैं, कि हम सामने वाले के तरफ खड़े होकर ये नहीं समझ पाते कि क्या हमको मदद देने से उसका कुछ कैश नुकसान हो रहा है या नहीं। मेरे इस पॉइंट का क्या मतलब है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ विद वेरी वेरी बेसिक एग्जांपल। हम दोनों एजुकेशन इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, मैंने खुद पढ़ाया भी हुआ है। कुछ कोचिंग सेंटर ऐसे होते हैं जिनका एक रूल होता है कि मेरी क्लास में 10 बच्चे बैठेंगे, और रूल से ज़्यादा मैं कहूँगा वो मार्केटिंग टेक्निक होती है। जब पेरेंट्स एडमिशन कराने आते हैं बच्चे का, टीचर बोलते हैं जी हमारा रूल है कि हमारा 1:10 का टीचर स्टूडेंट रेशो है, और हमारी क्लास में सिर्फ 10 बच्चे होंगे, इसी बात पे एडमिशन हो रहे हैं। अब एक टिपिकल एक टीचर जब ट्यूशन्स लेता है, वो शाम को मैक्सिमम 5 बैच ले सकता है, 3 से लेकर 8 बजे तक। हर बैच में अगर 10 बच्चों को पढ़ा रहा है तो टोटल 50 बच्चों को महीने में पढ़ा सकता है। अगर कुछ भी पैसा वो ले रहे हैं उतना उसका इनकम हो जाता है। अब आप उसके पास पहुंच जाते हैं, आप कोई रिलेटिव हैं, कोई फ्रेंड, और कहते हैं जी हमारे बच्चे को बिठा लो और आधी फीस में या 0 फीस में पढ़ाओ। तो आपको समझना चाहिए कि वो 50 में से आपका एक बच्चे की वजह से अब खाली 49 बच्चों से वो फीस लेगा, राइट? जी तो उसका एक फीस का पूरा नुकसान कर रहे हैं। इसी सिचुएशन में एक रूल आप चेंज कर दीजिए कि उसके यहाँ 10 बच्चे बिठाने का रूल नहीं है, वो 10 भी बिठा सकता है, 12 भी, 18 भी, 24 भी। उसका क्लासरूम तो इतना बड़ा है कि 40 कुर्सियाँ उसमें आ सकती हैं। या फिर जैसे सी की कोचिंग होती है, 300 300, 400 400 400 बच्चों की कोचिंग हो रही होती है। अब उसमें अगर आपका कोई जानकार आके बैठ गया, 301वां बच्चा है, 401वां बच्चा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। शायद सिर्फ जो उसको 20 50 कागज़ फोटोस्टेट के दिए जाएंगे पूरे साल भर में, उसका 25 रुपया एक्स्ट्रा खर्च हो रहा है। तो वो जो सीए का टीचर है जो आपने बोला, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा वो फेवर देने में, क्योंकि उसको 300 बच्चों को पढ़ा ही रहा है, तो किसी रिश्तेदार का बच्चा आके बैठ जाए क्लास में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसी कोचिंग के माहौल में जिसका रूल है 10 बच्चे पढ़ाने का, वो अगर अपने बदले आपको पढ़ा रहा है तो दिक्कत होती है। यही बेसिक एग्जाम्पल लागू होता है मोस्ट ऑफ द नॉलेज सर्विसेज में जिसमें हम बात करते हैं, चाहे वो लॉयर हों, सीएस हों, डॉक्टर्स हों, आर्किटेक्ट्स हों, एजुकेशन कंसल्टेंट्स हों, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हों। हम सभी लोग अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, हमारी कोई दुकान तो है नहीं, कोई हमारे पास प्रोडक्ट तो है नहीं, इन सब लोगों के पास अपना टाइम ही तो है जिसको वो बेच के पैसा कमाते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, बट इट इज़ माई टाइम ओनली विच इज़ माई एसेट। एक सीए है वो अपने समय से, अपनी समझदारी से आपकी चीज़ें सॉल्व कर रहा है, आपका काम कर रहा है, और आप उसको पैसा दे रहे हो। हर एक इंसान के पास काम करने के लिए 8 से 10 घंटे के दिन में। अब उस 10 घंटे में अगर मैं 3 घंटे अपने रिश्तेदारों का, जानकारों का फ्री में काम कर रहा हूँ, और मेरे पास बहुत काम है, इसका मतलब कि मैं उस 3 घंटे के क्लाइंट्स को मुझे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो अपने 10 घंटे के दिन में कुछ ही क्लाइंट्स को सर्व कर सकता हूँ ना, तो मुझे छोड़ना पड़ेगा। इसी सिचुएशन को रिवर्स कर लीजिए, कोई सीए है, लॉयर है, अभी प्रैक्टिस उतनी सॉलिड नहीं हुई है, दिन में 4 घंटे काम है, 4 घंटे अपने ऑफिस में खाली बैठा है, तो शायद वही सीए आपके लिए फेवर कर देगा, क्योंकि वो तो खाली बैठा है, तो बल्कि वो ये सोचेगा चलो इनका काम करके मुझे थोड़ा और एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो सिचुएशन फ़र्क समझिए, अभी भी उसको लालच है आपका काम फ्री में करने का, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस मिल रहा है, उसको आपकी रेफरेंस तो मिलेगी कल को जी। लेकिन जिसके पास पहले से ही क्लाइंट्स इतने हैं कि वो उनका काम ख़त्म नहीं कर पा रहा है, और उनका काम ख़त्म करने में उसको अपने संडेज को काम करना पड़ रहा है, और अगर आप उसके पास जाते हो तो वो अपने किसी पैसा देने वाले क्लाइंट का काम छोड़ के आपका काम करेगा। तो अगर आप देखेंगे मोस्टली जब भी आप किसी से फेवर मांग रहे हैं, ऑफकोर्स आप फेवर मांग रहे हैं किसी नॉलेज सर्विस के लिए, आई एम श्योर कि आप किसी मिठाई की दुकान में जाके तो बोलेंगे नहीं मुझे फ्री मिठाई दे दो, क्योंकि आपको पता होता है कि जो मिठाई बना रहा है इसकी भी तो कॉस्टिंग लग रही है जी। आप किसी कोई आपकी जानकारी कपड़े की दुकान है, आपको मालूम है कि ये कपड़ा भी फ्री में थोड़ी ना आया इसके पास, ऑफकोर्स वो आपको थोड़ा डिस्काउंट दे देगा, शायद अपनी लागत के प्राइस पे आपको
दे देगा, दे देगा। लेकिन नॉलेज सर्विस में तो जो मेरा टाइम है वही मेरा प्रोडक्ट है, तो मैं आपको कैसे फ्री में दे दूँ? वो एक्सप्लेन करते हुए भी बुरा लगता है किसी आदमी को, एक्सप्लेन करते हुए बुरा लगता है। तो ये सबसे बड़ा मिथ्या ही यही है, सबसे बड़ी इशू ही यही है कि जो देने वाला है वो मुंह पे आपको चीज़ें समझा नहीं पा रहा, क्योंकि आप करीबी रिश्तेदार हैं, आप करीबी मित्र हैं, आप खुद से चीज़ समझना नहीं चाह रहे हैं या कोशिश भी नहीं कर रहे समझने की कि सामने वाला मना, या हमें समझ आ नहीं रहा है कि सामने वाला मना क्यों कर नहीं कर पा रहा। लेकिन अगर आप डीपली सोचेंगे तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि ये वजह होती है। तो फेवर, ये हेल्प, अगर कोई नॉलेज वर्कर आपको नहीं दे पा रहा, अक्सर ऐसा होगा कि ही इज टू बिजी विद हिज पेड क्लाइंट्स एंड ही डजंट हैव स्पेयर फ्री टाइम, उसके पास खाली मुफ्त का समय नहीं है जो वो आपको दे सके, और हमको लग रहा है कि ये तो इतना बड़ा आदमी हो गया, हमारी हेल्प नहीं कर रहा। बड़ा आदमी है, उसके पास बहुत काम है, तभी उसके पास आपके लिए काम नहीं है। और इसलिए शायद जो समझदार क्लाइंट्स होते हैं, कभी बार आपको मालूम होता है कि चलो बाई चांस ही मेरा रिश्तेदार है, लेकिन ये तो बहुत शानदार वकील है, बहुत शानदार सी है, या बहुत शानदार जुडिशियल कंसल्टेंट है, तो लेकिन ये मेरा काम नहीं कर रहा क्योंकि मैं पैसे की बात नहीं कर रहा। तो इसलिए अगर आप देखेंगे जो हमारा दूसरा वीडियो था कि पैसे का काम पैसे से ही होता है, उसका एक्सेंस भी सेम था। जब आप नॉलेज वर्कर के पास जा रहे हैं, किसी के पास जा रहे हैं, अगर आप उसको पैसा देंगे और वो पैसे के लिए ही काम कर रहा है, उसी के लिए वो ऑफिस खोल के बैठा हुआ है, तो वो आपका काम जल्दी करेगा, क्योंकि अब आप उसके भी पेड क्लाइंट हो गए। नाउ यू आर पार्ट ऑफ वन ऑफ द 50 स्टूडेंट्स, नाउ यू आर नॉट द एक्स्ट्रा स्टूडेंट जिसकी वजह से उसको फीस कम लेनी पड़ रही है। या आप किसी बिजी वकील सीए एजुकेशन कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं, लेकिन आपने पहले से ही अपने आप से ऑफर दे दिया फीस देने का कि भाई साहब मेरा ये काम करा दीजिए और ये रख लीजिए। हाँ, ये जो भी आपका सर्विस चार्ज है, शायद सामने वाला आनाकानी करेगा, आप अपनी तरफ से देने के, देखिए अगर पैसा देना चाहते हैं तो दे ही देंगे, राइट। पैसा लेना मुश्किल होता है, देना तो बहुत आसान होता है, कल मैं हमेशा कहता हूँ। तो अगर आपकी नीयत होगी पैसा देने की तो आप दे देंगे और आपका काम वो उतनी शिद्दत से करेगा। तो बस लोग आपकी मदद करना चाहते हैं लेकिन उनके पास समय नहीं है। तो जिस दिन आप ये समझ लेंगे उस दिन आपको बुरा लगना बंद हो जाएगा कि वाई डोंट पीपल हेल्प यू और वाई डोंट पीपल गिव यू फेवर्स। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कसिंग दिस सर। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ यू लाइक इट, एंड कंटिन्यू वॉचिंग दिस दीज वीडियोज फॉर मोर।